हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम फैजी एक्सप्लेनर है। सो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं एक मूवी को जिसका नाम रेड ड्रैगन थूट्स फेरी किलर है। सो अगर आपको यह मूवी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको ऐसे ही मूवी भी एक्सप्लेन करता रहूंगा। मैंने चलो सोचा एनिमे के साथ साथ मूवी को भी एक्सप्लेन किया जाए। लेट्स गो, अब स्टार्ट करते हैं अपनी मूवी को और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी मूवी चे लेकर आता रहूंगा। फिल्म के स्टार्ट में हमें 1980 साल दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर हैनिबल लेक्टर एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस देखा होता है। अगली सीन में डॉक्टर लेक्टर अपने म्यूजिकल गेस्ट के लिए एक डिनर पार्टी अरेंज करता है, जहां एक औरत लेक्टर को कहती है कि खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया, कैसे बना लिया। इस पर लेक्टर कहता है कि अगर मैं अपना सीक्रेट बता दिया तो तुम खाना नहीं खाओगी। पार्टी खत्म होने के बाद लेक्टर के घर में FBI एजेंट बिल ग्रहम आता है, जो एक काफी क्लेवर एजेंट होता है। वो लेक्टर के साथ एक सीरियल किलर के केस पर काम कर रहा होता है, जो लोगो को मारकर उनके बॉडी पार्ट निकाल लिया करता था। वो ये बात लेक्टर को बताता है की जरूर नहीं सीरियल किलर एक कैनिबल होगा, जो लोगो को मारकर उनके बॉडी पार्ट खा लेता होगा। ये बात सुनकर लेक्टर कहता है कि वो खाना खाने के बाद ही उससे आगे बात करेगा। जब लेक्टर वहाँ से जाता है तो ग्रैन की नजर एक बुक पर पड़ती है, जिसे वो खोलता है तो उस पर इंसान का गोश्त बनाने की रेसिपी लिखी होती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो सीरियल किलर और कोई नहीं बल्कि लेक्टर ही है। तभी लेक्टर उस पर हमला कर देता है और एक चाकू उसके पेट में डाल देता है। ग्रहम फौरन से गन निकालता है और उस पर फायर करता है, जिससे लेक्टर बेहोश हो जाता है और पकड़ा जाता है। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। डिटेक्टिव ग्रहम ने हैनिबल लेक्टर को पकड़ा है। कहानी हमें कुछ साल बाद की दिखाई जाती है। एक स्पेशल रीजन जेक प्रोफोर्बस के घर आता है और उसे एक सीरियल किलर के बारे में बताता है, जिसमें दो फैमिलीज को मारा होता है। FBI ने सीरियल किलर का नाम टूथ फेरी रखा होता है, जो अपने विक्टिम्स की आंखें निकाल लिया करता है और उसके दांत काफी शार्प होते हैं, जिससे वो उन्हें खाता है। प्रॉफोर्ड यहाँ ग्रहम से मदद मांगने आया होता है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करके टूथ फेरी को पकड़ सके, क्योंकि सिर्फ वो ही था जो उसको पकड़ सकता था। ग्रहम ये सब सुनता है और उसकी हेल्प के लिए राजी हो जाता है। वो अपनी वाइफ को कहता है कि वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में उनकी हेल्प करेगा और वापस आ जाएगा। अगले दिन ग्रहम फैमिली के घर जाता है, जो टूथ फेरी के पहले विक्टिम थे, और वो वहाँ के सारे आईने टूटे हुए देखता है। इससे उसे ये साबित हो जाता है कि टूथ फेरी एक बदसूरत इंसान था, जिसे इतना चेहरा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके बाद बेड देखता है, जहाँ पर काफी खून होता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने मिस्टर लीड का गला काटा था और मिसेस लीड को गोली मारी थी। इसके बाद ग्रहम बच्चों के कमरे में जाता है। पता चलता है कि इसके बाद वो बच्चों के कमरे में आया और उनको गोली मारी और बच्चों को घसीट कर मिस्टर लीड एंड मिसेस लीड के बेडरूम में ले गया और शीशे के छोटे छोटे टुकड़े उनकी आंखों में डाल दिए। अब वो ये बात प्रोफोर्ड को बताता है और सोचने लगता है। वो मिसेस लीड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखता है, जिसमे उनके थाई पर पाउडर मिला होता है, जिसे देख वो समझ आता है कि जरूर टूथ फेरी ने मिसेस लीड को टच किया होगा। उसके बाद उसने मिसेस लीड की आंखों में शीशा डाल दिया। वो मिसेस लीड का पोस्टमार्टम दोबारा से करवाता है, जिसमें उसकी आंखों के अंदरूनी हिस्से में टूथ फेरी का फिंगरप्रिंट मिला है। ग्रहम को लाउंस नाम का एक रिपोर्टर मिलता है, जिसने उसके बारे में लेक्टर के केस में बुरी खबर छापी थी। ग्रहम उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे दूर रहने के लिए कहता है। ग्रहम बताता है कि इस कातिल को पकड़ने के लिए उसको लेक्टर की मदद चाहिए होगी, क्योंकि आज तक उसने जितने भी केस सॉल्व किए हैं डॉक्टर लेक्टर ने उसका साथ दिया था। उसके बाद ग्रहम जेल जाता है, जिस पर लेक्टर उसे कहता है कि वो जानता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए मुझसे हेल्प देने आए हो। ग्रहम उसे उस केस की फाइल देता है, जिस पर लेक्टर उसे टॉन्ट मारता है और कहता है कि 1 घंटे में वो उसे सोच के बताएगा कि उसने उसकी हेल्प करनी है या नहीं। 1 घंटे के बाद ग्रहम जब लेक्टर के पास जाता है तो वो उसे बताता है कि वो सीरियल किलर कोर्टों को कठपुतली की तरह समझता है और वो कोर्टों को चांद की चौधरी रात को मारता है, क्योंकि उसे ये चीज बहुत पसंद होती है। उनका रंग उसे बहुत काला और अच्छा दिखाई देता है। ग्रहम ये बात सुनकर बाहर आ जाता है और वही रिपोर्टर उसकी ऑटो खींच लेता है और न्यूज पेपर में छाप देता है कि ग्रहम वापिस आ चुका है और लेक्टर की मदद से वो टूथ फेरी को पकड़ कर ही रहे था। अगले ही दिन ग्रहम फिर से लीड्स के घर जाता है, जहाँ पर उसे एक फैमिली वीडियो टेप मिलती है और वो उसे देखता है। और उसके बाद वो टूथ फेरी के दूसरे विक्टिम जेकोबिस के घर जाता है, जहाँ तलाशी लेते हुए वो उनके घर के बाहर एक दरख्त पर ये निशान पाता है। हमें टूथ फेरी दिखाया जाता है, जो अपने बहुत ही बड़े घर में रहता है। वो अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखता है। टूथ फेरी का असली नाम फ्रांसिस होता है
और वो अपने लॉकर से एक बहुत बड़ी सी किताब निकालता है जिस पर पहले पेज पर लिखा होता है रेड ड्रैगन। वो बुक उसकी डायरी होती है जिसमें उसने अपने बचपन से लेकर मर्डर तक सब कुछ लिखा होता है। बचपन में उसकी दादी उसे बहुत डांटा करती थी क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत था और अब उसने काफी प्लास्टिक सर्जरीज करवा ली थी जिससे वो काफी बेहतर दिखने लगा था। उस डायरी में ग्राहम की छपी खबर चिपकाता है। उनसे पता चल गया होता है कि ग्राहम इस केस में डॉक्टर लेक्टर के साथ काम कर रहा है। अगले ही दिन ग्राहम लेक्टर के पास जाता है और उसे वो साइन दिखाता है जो जैकोडिस के घर के बाहर एक तरफ पर उसे नजर आया था। इस पर डॉक्टर लेक्टर एक फ्रेज बोलता है कि जो लोग दुनिया को समझ में ही पाते उनको ही लोग इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर लेक्टर उसको ये भी बताता है कि वो कातिल अपने काम में काफी महारत हासिल करना चाहता है, लड़कियों को मारता है जिससे उसे लगता है कि वो रेड ड्रैगन बन जाएगा। अगले ही सीन में नेटर का लॉयर उससे बात करना चाहता है। डॉक्टर अपने लॉयर का कॉल कार्ड देता है और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में कॉल करता है जहां वो एक फेक आइडेंटिटी बता के ग्राहम की घर का एड्रेस ले लेता है। फिर हमें फ्रांसिस डॉलर हाइट दिखाया जाता है जो एक फोटो लैब में काम करता है और वहाँ एक लड़की रेखा को वो पसंद करता है जो अंधी होती है। रात को जॉब से लौटते हुए वो रेखा को उसके